करेंगे सर आज? हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको भी रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी। ओके सर, ओके। तो हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट के बारे में, यूजेस के बारे में, सिचुएशन के बारे में और उसकी बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले समझ लीजिए कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग है क्या। ये एक लैंग्वेज है जिसके जरिए आप एक्सेल के अंदर में कोई नई चीज डेवलप कर सकते हो अपने कंडीशंस और अपने वे के अकॉर्डिंग। समझे? ये समझ लीजिए कि जितने भी कमांड आप इस्तेमाल कर रहे हो सब वीवीए प्रोग्रामिंग से ही बना हुआ है। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ले लीजिए, पिवट टेबल ले लीजिए, सब उसी चीज से बना हुआ है और आप प्रोग्रामिंग करके वैसी चीजें खुद से भी बना सकते हो। राइट सर? अब बात करते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सिंपल सी बात है, एक्सेल में जो चीजें दी गई है, जब हमें उस चीजों से अपना काम नहीं होता है, कुछ ऐसा काम आता है जिसके लिए एक्सेल में कोई फीचर है नहीं, या है तो लेंदी है या मैनुअल करना पड़ रहा है, तो उस केस में हम कुछ ऑटोमेशन करते हैं ताकि हमारा काम खुद ब खुद हो जाए, हम ना कर सके। पहली चीज तो इसमें ए हम करते हैं। दूसरा, हम बनाते हैं ऑटो पायलट। मतलब कि जो रिपोर्ट्स हम मैनुअल बनाते हैं 100 200 500 स्टेप्स को फॉलो करके, उस स्टेप्स को हम कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम उसको जब रन करते हैं तो वो जो है हमारा क्या बोलते हैं माइक्रो जो है उस 100 200 प्रोग्राम को रन कर देता है, स्टेप कर देता है। उसी तरीके से जिस तरह से हमने कोड लिखा है उसी तरीके से वो उसको फॉलो करके आपको रिपोर्ट प्रिपेयर कर देता है। फर्क ये होता है कि आप खुद बनाते हो तो आपको टाइम ज्यादा लगता है, और जब वो माइक्रो जिस रिपोर्ट को क्रिएट करती है तो आपसे 1000 टाइम फास्टली करता है। इसलिए हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब बात बात करते हैं कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में क्या क्या है। देखिए, मेरे हिसाब से वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग तीन पार्ट में बटा हुआ है। पहला माइक्रो प्रोग्रामिंग, दूसरा फंक्शंस, और तीसरा यूजर फॉर्म। माइक्रो प्रोग्रामिंग के जरिए हम माइक्रो क्रिएट करते हैं, फंक्शंस के जरिए हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, और यूजर फॉर्म के जरिए हम क्रिएट करते हैं इवेंट्स, सॉरी इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस होता है जैसे कि आप मान लीजिए कि पेस्ट स्पेशल करते हो या फॉर्मेट करते हो तो एक पॉपअप बार आता है ना, जैसे पॉपअप बार आ गया, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। इस तरह की पॉपअप बार बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूजर फॉर्म्स की। लेकिन इन तीनों में मेन होता है माइक्रो प्रोग्रामिंग, क्योंकि माइक्रो प्रोग्रामिंग में सीखते हैं आप लैंग्वेज, फंक्शंस और यूजर फॉर्म में उसको यूटिलाइज करते हैं। अब बात करते हैं सिचुएशन। देखिए, माइक्रो का इस्तेमाल हम कब करते हैं? दो केसेस में। पहला केसेस कि कोई ऐसा काम जो रिपीटेड है, मुझे ऐसे एक काम को कई बार करना पड़ता है दिन में या हर दिन या महीने में 2 4 बार, मतलब बराबर आता रहता है और हमें बराबर उतना टाइम लगाना पड़ता है, उस केस को हम उसको माइक्रो के जरिए या वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए ऑटोमेट करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हमें उतना टाइम ना देना पड़े, नेक्स्ट टाइम जस्ट हम रन कर दो। जैसे कि आप लोग मोबाइल नंबर अपने फोन में सेव कर लेते हो ताकि अगली बार आपको डायल ना करना पड़े, आप जस्ट क्लिक करें और ओपन कर दे, जस्ट लाइक माइक्रोज कि अगली बार आपको काम खुद से ना करना पड़ो, सारे काम को आपने डाल दिया, अगली बार उसको बस क्लिक करो और आपका काम हो जाए। दूसरा, अब ऐसे बात नहीं है कि आपके पास कोई एक काम आया, आज एक काम मिला आपको करने के लिए, तो अब आपको एक काम पहली बार मिला है और आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए वीवीए प्रोग्रामिंग लिखना बेवकूफी होगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग ये तो नहीं कि 2 मिनट में लिखा जाएगा, हो सकता है कि 2 घंटे भी ले ले। तो जो काम मैनुअली अगर हम 10 15 मिनट में कर सकते हैं, उसके घंटे 2 घंटे की प्रोग्रामिंग करा तो बेवकूफी होगी क्या सर? जी सर, मतलब वही हो गया कि अगर आपको मेट्रो से सफर करना है तो आपको मेट्रो से डेली सफर करना है, तभी तो आप मेट्रो कार्ड परचेज करोगे।
क्या सर? देखिए, अगर मान लीजिए आपको आज मेट्रो सफर किया, पता नहीं इन फ्यूचर में कब सफर करना है, तो उसके लिए मेट्रो कार्ड खरीदना तो आपका क्या बोलते बेवकूफी ही होगा। उसी तरीके से ऐसा काम जो कि रिपीटेड नहीं है उसको वापस ये करना, मतलब कि प्रोग्रामिंग करना बेवकूफी मानी जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आते तो एक बार है लेकिन काफी लेंदी होते हैं, उसको करने बैठूं तो घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, दिन, महीना लग सकता है। तो वैसे काम के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोग्रामिंग बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ना कि मेरे पास तकरीबन 10,000 मोबाइल नंबर्स हैं। अब उस 10,000 मोबाइल कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर को मुझे अपने फोन में लेके आना है ताकि मैं व्हाट्सएप चला सकूं। तो अगर मैं उस 10,000 नंबर को एक एक करके सेव करने चलूं तो कितना टाइम कंज्यूम होगा सर? हेलो लक्ष्य जी, एक दिन 2 दिन लगेगा ना सर तो उसका अल्टरनेट जब तरीका तक। क्या है, किस तरीके से हम उसको सेव कर देंगे? तो तरीका है आपके पास? हम तो यो आई क्लाउड होता है ना सर, उससे लॉगिन करके फिर लेता है। हाँ, तो वही तो। अगर मुझे, अगर मान लीजिए कंप्यूटर पे है, एक्सेल फाइल में है, तो हम क्या करेंगे, गूगल के कॉन्टैक्ट में, हम लोग तो गूगल यूज करते हैं ना सर, एंड्रॉइड यूज करते हैं तो गूगल होता है हमारा, तो गूगल के हाँ जी कॉन्टैक्ट में उसको पोर्ट कर और फोन में उसको रिफ्रेश करेंगे तो सर डाउनलोड हो जाएगा। ये काम 10-15 मिनट में हो जाएगा ना सर, लेकिन करना तो एक ही बार है। तो इसी ऐसे ही काम आपके पास आए जो कि लेंदी है लेकिन उसको आपको करना है, तो उस केस में इसका यूज करते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर, एक सेकंड। हेलो जी सर, जी सर। तो इस तरह से हम करते हैं, लेंदी जॉब और रिपीटेड जॉब। अब बात होती है, बात आती है कि वीवीए प्रोग्रामिंग हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर आप ऐसी फाइलों पे वीवीए प्रोग्रामिंग लगा के भेजना चाहते हैं जो फाइल कई सारे पीसीज पे कई सारे लोगों के पास ट्रेवल करती है, तो गलत कर रहे हैं आप। सॉरी सर, तो
मैं बोला था कि ऐसे पीसी पे अगर आप काम कर रहे हो, जिस ऐसे पीसी पे आप कर रहे हो जो कि मतलब ऐसे फाइल पे कर रहे हो जो कि कई सारे पीसीज पे कई सारे लोगों के पास जाता है, तो वहां पे माइक्रो प्रोग्रामिंग लगाना मैं सही नहीं समझता। ऐसा इसलिए कि हर पीसी का, हर मतलब हर कंप्यूटर का जो डिफॉल्ट माइक्रो का सेटिंग होता है, सिक्योरिटी सेटिंग जो होता है, वो डिसेबल होता है, जो यहाँ आपको दिख रहा है। अब होगा क्या कि जो लोग माइक्रो इस्तेमाल करते हैं वो लोग तो इसको अनेबल रखेंगे, लेकिन जो लोग माइक्रो इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि माइक्रो के बारे में नहीं जानते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि उनको पता नहीं रहेगा, जैसे फाइल खोलेंगे सिक्योरिटी वार्निंग दिखेगा और आपको वहां पे दिक्कत दे देगा। ठीक है सर, इसलिए हम अवॉइड करेंगे, अगर कोई फाइल ट्रेवल कर रही है तो हम माइक्रो लगाना जब तक निहायत जरूरी ना हो तब तक उसको हम अवॉइड करेंगे। अगर आप फाइल जो आपके पास है, जिस आप पे काम कर रहे हैं और कॉपी पेस्ट करके कहीं भेजते हैं, उस पे जितना मर्जी जैसे मर्जी आप माइक्रो इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। तो मैं माइक्रो के फंडामेंटल्स के बारे में पता चल गया सर आपको? अक्षित जी, यस सर। तो माइक्रो का आइडिया मिल गया ना, माइक्रो क्या है, कब यूज करते हैं, किसकी सिचुएशन में यूज करेंगे। जी सर। और दूसरी चीज और भी है ना प्रॉब्लम सर, कि बहुत सारे लोग जो है वो अपनी रिपोर्ट्स को मोबाइल पे ही खोल लेते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है, मोबाइल पे या फिर जो वेब वर्जन पे आपका माइक्रो परफॉर्म नहीं करता है। इसलिए मैंने बोला कि ऐसे फाइलों पे माइक्रो लगाना अवॉइड करें जो आप भेजते हैं, क्योंकि वो माइक्रो तभी चलेगा जब वो सिस्टम पे बैठेगा और उसका माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल होगा। ठीक है क्लियर सर। अब बात करते हैं कि माइक्रो सीखने से पहले क्या सीखना चाहिए। देखिए, जब भी मैं माइक्रो किसी को सिखाता हूं या फिर मैंने जब खुद सीखा था तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था सर, मैं चाहता हूं वो आर्टिकल आपको भी दूं। यह है आपका excel-vva.com, ये देख लीजिए सर। रक्षित जी, आप भी excel-vva.com पे जाइए, इसमें आपको तकरीबन 3 सेक्शन है, यहाँ पे देख, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, इसमें 33 चैप्टर्स हैं जो कि बेसिक प्रोग्रामिंग और बेसिक माइक्रो के बारे में बताया गया है। तो मैं चाहता हूँ एक बार इसको आप स्टडी कर लें, फिर हम मंडे से आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम आपको वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में बताएंगे। और हाँ, आपको अगर एमएस एक्सेस भी साथ में स्टार्ट करना है तो सैटरडे एंड संडे 11 बजे आप कर सकते हैं, एक्सेस के लिए सर। एमएस एक्सेस डेटाबेस बस मैं ज्वाइन करूंगा सर। सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग के 11 बजे, कल से बैच स्टार्ट हो रही है। कॉल से हो? ठीक है सर, मैं ज्वाइन करूंगा सर। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लीजिए, excel-vva.com। ठीक है सर। ठीक है, और कुछ बोला था सर? सर आपने फाइल भेजने के लिए वो बोला ना माइक्रो एनेबल होना चाहिए, नॉर्मल फाइल में तो माइक्रो एनेबल तो कुछ असर नहीं पड़ता ना। नहीं देखिए, माइक्रो अनेबल फाइल में भी डेटाबेस को भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वही है ना सर कि माइक्रो अनेबल, मैं बोल रहा हूँ कि माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना पड़ता है तभी जाके आपका माइक्रो परफॉर्म करता है, क्योंकि माइक्रो के रूप में कई सारे वायरस भी आने के चांसेस होते हैं, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने उसको डिफॉल्ट डिसेबल कर रखा है, एज पर योर रिक्वायरमेंट उसको आप अनेबल करें। समझ गए? ठीक है सर, ठीक, क्लियर हो गया सर। ओके, मिलते हैं मंडे को, कल अगर टाइम मिले आपको एक्सेस एक्सेस पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है सर, मैं ज्वाइन करूंगा सर। ओके, 11 बजे सर है ना? हाँ, 11 बजे। ओके, थैंक यू सर।